चित्रकूट के कामतानाथ महाराज के तृतीय मुखारविंद में झूला उत्सव का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार सावन और मलमास दोनों एक साथ होने की वजह से बहुत ही खास दिन माना जा रहा है। ऐसे में चित्रकूट के तृतीय मुखारविंद में झूला उत्सव में प्रभु राम और माता सीता को झूलना में झुलाया जा रहा है। मान्यता ऐसी है कि जब प्रभु राम और माता सीता चित्रकूट के वनवास काल में निवास किया था, तब इसी पर्वत के तृतीय मुखारविंद में सावन के महीने में झूला झूलते थे। इसीलिए यहाँ के महंत और यहाँ के साधु संत झूला उत्सव का आयोजन करते हैं। माता सीता और प्रभु राम को एक साथ पालने में झूलते हैं। बाहर से आ रहे श्रद्धालु झूला उत्सव को अपने हाथों से भी झूलना झूला रहे हैं। प्रभु राम और माता सीता के साथ प्रभु राम और माता सीता के दर्शन करते हैं, जो कि अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली भक्तजन समझ रहे हैं, क्योंकि कलयुग में सिर्फ चित्रकूट ही ऐसा उत्सव मनाया जाता है। बकाया पूरे भारतवर्ष में कहीं भी माता सीता और प्रभु राम का झूला उत्सव सावन और मलमास के इतने लंबे समय तक मनाया जाता है। ये झूला उत्सव रक्षाबंधन तक चलेगा, जो कि बहुत ही खास झूला उत्सव हो रहा है। चित्रकूट का ये पर्वत विंध्य के पर्वतों से घिरा हुआ है, जो कि बहुत ही खास माना जा रहा है। ऐसे में यहाँ का दर्शन करना अपने आप को काफ़ी लोग सौभाग्यशाली भी समझते हैं। श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर बड़ा अखाड़ा में प्रतिवर्ष झूला उत्सव मनाने में आया है, उसी का अनुकरण करते हुए आज प्रथम दिन है और आज से लेकर के रक्षाबंधन पूर्णिमासी के दिन तक यह झूला उत्सव का उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें से चित्रकूट पधारे हुए समस्त श्रद्धालुगण भक्तगण आकर के इसमें सहभागीदार बन रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके सब अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं।